हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने बनाया है पनीर बटर मसाला विद रिच ग्रेवी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपनी रेसिपी शुरू करेंगे। लिए हैं यहाँ पे 6 टमाटर और ये मैंने रफली चॉप कर लिए हैं, 2 हरी मिर्च और मैंने ये 8 से 10 काजू हैं जो मैंने शॉक कर लिए थे, अभी हमने इसको इसी के अंदर ऐड करना है। और ये मेरे पास यहाँ पे हरे धनिया की डंठल है जो मैंने चॉप कर लिया है और इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इसका हम एक पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर, अब इसमें ऐड करेंगे पनीर के टुकड़े, अब इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, अब डालेंगे हम इसके ऊपर थोड़ी सी लाल कश्मीर मिर्च और इनको हल्के हल्के हाथों से ऐसे घुमाएंगे, 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारा पनीर रोस्ट हो गया, अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ऑयल और ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर, इसमें डालेंगे हम जीरा, तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 से 4 लौंग और 2 हरी इलायची, इसमें डालेंगे कटा हुआ लहसुन, कटा हुआ प्याज, हल्के से गोल्डन ब्राउन करेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से भून लिया। इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट, अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम नमक, मैं यहाँ पे डालूंगी 1/2 टेबल स्पून नमक, चार से पांच मिनट तक हाई फ्लेम में इसको ऐसे ग्रेवी को पकाएंगे चलाते हुए। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून मिर्च और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और हम इनको अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी और इसको हम ऐसे अच्छे से फिर से पकाएंगे। अब इस ग्रेवी को 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ढक के पकने देते हैं। ये हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है, अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर, इसको हल्के हल्के हाथों से चलाएंगे ताकि हमारे जो पनीर है वो टूटे ना। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी क्रीम, ये मैंने मलाई से घर में ही बनाई है और इसको हम ऐसे से मिक्स कर देंगे। मैंने 2 चम्मच मलाई को फेंट के इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया और इसको मिक्स कर देंगे और इसको हम यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो रेडी है हमारा मसाला पनीर।